कॉलेज स्टूडेंट से कुकर्म करने वाला गिरफ्तार। 20 साल के युवक को फेसबुक पर दोस्ती के बाद मिलने घर बुलाया, मोबाइल फोन से बनाए कुकर्म के वीडियो, महीनों तक करता रहा ब्लैकमेल। फेसबुक पर गहरी दोस्ती के बाद 20 साल के कॉलेज स्टूडेंट को घर बुलाकर कुकर्म करने वाले आरोपी को करदनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के दौरान आरोपी युवक ने मोबाइल फोन से पीड़ित के साथ अप्राकृतिक संबंधों में आपत्तिजनक वीडियो बना लिए, फोटो खींचे। करीब 8 महीने तक ब्लैकमेल कर घर को बुलाकर कुकर्म करता रहा। अवसाद में आए युवक ने अपने पिता को आबीती बताई। तब करीब 20 दिन पहले पीड़ित युवक ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित का मेडिकल मुआयना और बयान होने के बाद अनुसंधान पूरा होने पर आरोपी को रविवार रात को गिरफ्त में लिया गया। उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। अक्टूबर 2020 में हुई थी फेसबुक के जरिए मुलाकात, फिर दोस्ती होने पर मिलने लगे। अनुसंधान अधिकारी ASI विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी देव आयु 23 नागौर जिले का रहने वाला है। वह जयपुर में कालवा रोड पर एक मकान में कमरा लेकर रहता है। यहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था जबकि कुकर्म का शिकार हुआ। 20 वर्षीय पीड़ित BCOM द्वितीय वर्ष का छात्र है। रिपोर्ट में बताया था कि अक्टूबर 2020 में पीड़ित की मुलाकात फेसबुक के जरिए आरोपी देव से हुई थी। दोनों के बीच लगातार चैटिंग से अच्छी दोस्ती हो गई। वे एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे। पीड़ित का आरोप है कि 27 दिसंबर 2020 को देव ने अपने कालवा रोड स्थित घर पर मिलने के लिए बुलाया। वह दोपहर के वक्त देव के घर पहुंचा, जहां पानी पिलाने के बाद देव ने कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिसे पीने के बाद वह होश में नहीं रहा। करीब 2-3 घंटे बाद उसे होश आया, तब कपड़े खुले नजर आए। होश में आने पर दिखाई फोटो वीडियो, तब कुकर्म का पता चला। होश में आने पर देव ने मोबाइल फोन में खींचे गए फोटो और वीडियो दिखाए, तब पीड़ित युवक को पता चला कि उसके साथ कुकर्म किया गया है। आपत्तिजनक फोटो देखकर वह घबरा गया। इसके बाद देव ने पीड़ित को वीडियो फोटो वायरल कर बदनाम करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। कई बार उसे अपने घर बुलाकर गलत हरकत की। आखिरकार 29 अगस्त को युवक ने अपने पिता को पूरा बकाया बताया, तब उन्होंने करदनी थाने पहुंचकर केस दर्ज कराया।